हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, इंडियन मार्केट में पोको उनका एक बजट सेगमेंट वाला फोन जो है लॉन्च करने वाला है, जो कि होगा अंडर 10,000 रुपीज के प्राइस में है। गाइस, अगर हम बात करते हैं फोन के बारे में, तो वो होने वाला है पोको का C55। गाइस, इसका जो है लैंडिंग पेज या फ्लिपकार्ट पे जो है ऑफिशियली लिस्ट हो गया है। क्या कन्फिगरेशन होंगे, कितनी प्राइस सेगमेंट का होगा, क्या आपको परचेज करना चाहिए या फिर जो है नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत बोलना। तो गाइस, पोको ने जो है इस बार नाम जो है बिल्कुल हटके रखा है। C55 बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है सीरीज, मतलब 55 नंबर तक पहुंच चुकी है, ऐसा पोको हाईलाइट करना चाह रहा है। लेकिन गाइस, अगर हम बात करते हैं प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो उसका जो प्राइस अप्रॉक्स जो लीक हुआ है ना, वो ऑलमोस्ट जो है 9,000 रुपीज है बताया जा रहा है। लेकिन गाइस, अगर बात करते हैं इसके फोन के फर्स्ट लुक के बारे में, तो यह आ चुका है फ्लिपकार्ट पे लैंडिंग पे, जहां हाईलाइट किया गया है कि यह फोन लॉन्च होने वाला है 21 फरवरी को। मिस्टर हार्दिक पांड्या जो कि इस फोन को जो है मोड कर रहे हैं, फर्स्ट लुक के बारे में बात करते हैं, तो आपको जो है कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिलेगा, जो कि है यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बॉडी डिजाइन है, लेकिन यहाँ पे जो है बैक लुक काफी अच्छा लग रहा है। एंड गाइस, अगर हम वहीं बात करते हैं कैमरा मॉड्यूल के बारे में, तो वो भी जो है डिफरेंट बनाया गया है, जो कि है डुअल कैमरा सेटअप के साथ में। लुक वाइज जो है बैक के बारे में आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रंट डिजाइन के बारे में, तो वहां पर आपको मिलेगा वाटर ड्रॉप नॉच, जो कि होगा 6.71 इंच का डिस्प्ले साइज, HD+ रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा IPS पैनल के साथ में। इसका मतलब है गाइस, अगर 10,000 का अंदर आपको फोन लेना है, तो आपको जो है IPS पैनल आपको मिलेगा, जो कि होगा 780 पिक्सल के साथ में, मतलब जो है HD+ आपको देखने को मिलेगा, जो कि कॉम्प्रोमाइज हल्का सा करना ही पड़ेगा। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस एंड कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पर जो चिपसेट यूज किया जाएगा ना, वो होगा मीडियाटेक का हेलियो G85, जो कि हम कंपेयर करते हैं इसी प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम बोल सकते हैं कंफर्टेबल चिपसेट परफॉर्मेंस है, एक अच्छा आपको देखने को मिलेगा, तो कोई आपको दिक्कत भी देखने को नहीं मिलेगी। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के बैक कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पर जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है वो है 50 MP के साथ में, एंड जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो होगा 2 MP का मैक्रो लेंस। तो गाइस, इस टाइप का जो है डुअल कैमरा परफॉर्मेंस को देखने को मिलेगा फोन के बैक साइड में। एंड अगर फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर आपको मिलेगा 5 MP का फ्रंट कैमरा। तो गाइस, ओवरऑल जो यहां पर अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की, तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा, कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर हम बात करते हैं डिजाइन के बारे में, तो डिजाइन भी आपको जो है अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के वेरिएंट्स के बारे में, तो बताया जा रहा है कि 4GB 6GB दोनों लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन 4GB तो कंफर्म है, 4GB 64GB एंड 4GB 128GB। होप यहां पे जो है 6GB रैम वाला वेरिएंट भी लॉन्च हो जाए, जो कि अप्रोक्स 1500 रुपए ऊपर जो है प्राइस होगा अगर कंपैरिजन करते हैं 464 से। तो एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस चार्जिंग आउटपुट के बारे में, तो बैटरी आपको मिलने वाली है 5000 mAh की बैटरी। बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, क्योंकि HD+ रेजुलेशन है, तो वहां पे बैटरी जो कंजप्शन होगा वो होगा कम, तो जिससे कि बैटरी जो परफॉर्मेंस है ना, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं इस फोन के चार्जिंग आउटपुट के बारे में, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 10 वॉट का चार्जर, आपको यहाँ पे टाइप सी देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल USB केबल आपको देखने को मिलेगी, साथ में आपको जो है 10 वॉट का चार्जर मिलेगा। मतलब जो है चार्जिंग के मामले में जो है बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब आपको यहाँ पे अगर फोन यूज़ करना है, तो ऑलमोस्ट जो है 3 घंटे 3.5 घंटे फोन को छोड़ना पड़ेगा, अगर आपका फोन बिल्कुल बंद है, 0% है और 100% चार्ज करना है तो। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में, आपको मिलेगा यहाँ पे रियर साइड में मुझे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर ओवरऑल पैकेज के बारे में बात करते हैं कि 10,000 रुपए के अंदर जो है ये फोन कैसा परफॉर्म करेगा, तो ओवरऑल जो एक अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, डेफिनेटली कॉम्पिटिशन को जो है टक्कर दे सकता है। तो गाइस, ये था आज की वीडियो में, उम्मीद आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, जरूर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके आप मुझे बताना क्या मानना है इस फोन के बारे में, क्या आप परचेस करने वाले हो, क्या आप वेट करने वाले हो या फिर जो है नहीं, जो भी आपके माइंड में हो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलता है ऐसे किसी अगले वीडियो में।